हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों, छोटी उम्र वालों, बीच वालों, जवानों, यंग स्टार्स, सीनियर सिटीजन, सबके लिए ये आपको वीडियो बनाया जा रहा है। जो कुछ ज्ञान आपको बढ़ाएंगे हम, कुछ आप खुद न्यूज़पेपर पढ़िए, सरकार के जितने भी आदेश हैं उनको सुनिए, उनको फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो बढ़ता है कोरोना। अब कोरोना कई दिन से बढ़ रहा है क्योंकि हम नियमों को भूल रहे हैं। सबसे बढ़िया दूरी दूरी बना के नहीं रह रहे, इसका नतीजा कोरोना बढ़ रहा है। तो दूरी बना के रहिए, कम से कम 2 गज दूर रहिए, कोई नुकसान नहीं होता है, काम आराम से होगा, हर एक काम तसल्ली से कीजिए। और हैंड वॉश दिन में 8-10 बार जरूर कीजिए। जब भी घर में घुसते हैं या घर से बाहर निकलते हैं या किसी के पास जाते हैं या वहाँ से चलते हैं, तो आप हैंड वॉश सिंपल वाटर से भी कर सकते हैं, या जो हैंड वॉश मार्केट से मिलता है उससे भी यूज कर सकते हैं। और आपको आसानी जिसमें भी हो, लेकिन करिए जरूर। और ये जो मास्क का जो उपयोग है, सबसे बड़ा उपयोग ये है, मास्क अगर आप नहीं लगाएंगे और अगर किसी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति से बात करेंगे तो ये ट्रांसफर हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, जो डिटेल में अभी सरकार बता चुकी है। इसलिए इसका भी आप ध्यान रखेंगे, हैंड वॉश जरूर हो, डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर हो, और ये आपको मास्क का प्रयोग जरूर करना है। बाकी सावधानियां आपको खुद लेनी है, जीवन आपका है, इसको जितना जिए अच्छा है, भगवान करे लंबी उम्र हो सबकी। उसके लिए आपको खुद ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, खुद ही आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे संकट काल में हमको क्या करना है। तो आज इससे पहले हमने आपको विटामिन सी और इसका स्कोप क्या है कोरोना में, इसके बारे में डिटेल यूजेज क्या है विटामिन सी के, इसके यूजेज बताए थे। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी, हाउ इज इम्यूनिटी प्रोड्यूस, कैसे की जा सकती है, और हमारे जीवन में इम्यूनिटी का क्या महत्व तो है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी इन आवर लाइफ। पहला है व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होगा जो भी बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस और फंगस, इनके द्वारा जो हमारे शरीर में एंटर करती है उनको रोकना। बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो उनसे फाइट करके उनको खत्म करती हैं, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। मैंने अपने हिसाब से जितने भी व्यक्ति हैं उनकी 4 कैटेगरी मानी है। पहली कैटेगरी में वो आते हैं जो बहुत फैटी है, जो भी खाने को मिलता है दिन भर खाते हैं, खाने के लिए कोई मना नहीं है, सब कुछ हजम कर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की देखने में आपको सुंदर लगेंगे, अच्छे लगेंगे, लेकिन वो अगर 4-6 फ्लोर चढ़ना पड़े ऊपर तो उसको उसकी सांस चलने लगती है, इसका मतलब इसकी इम्यूनिटी कमजोर है। इसलिए सभी सभी के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जिनके शरीर में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है उनके ये तमाम हार्ट अटैक, बीपी हाई हो जाता है, हाई हो या लो हो नुकसानदायक होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये बीमारियां पहले से, लीवर की बीमारी पहले से लग जाती हैं, तो ये इसलिए उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और वो कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं हेल्दी वेल्दी फिटनेस, जिनकी बॉडी फिट है, जिनको कहते हैं हेल्दी है, जिनकी पर्सनैलिटी है, ऐसे लोग हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपने उपाय करते हैं, शरीर में ताकत होती है और इन पर कोई भी कोरोना और किसी वायरस का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पहले से ही हाई होती है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं
है तो वो भी हेल्दी वेल्दी, लेकिन वो देखने में पतले दुबले दिखते हैं, काम करने में माहिर होते हैं, काम खूब करते हैं, लेकिन देखने में पतले दुबले होते हैं और उतना ही खाते हैं जितना जीने के लिए जरूरी है। ये ज्यादा नहीं खाते, ये जो लोग हैं जो कमजोर जिनको हम कहते हैं या जो कहिए पतले दुबले कहते हैं, ये काम करने में माहिर होते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, इसलिए चौथी कैटेगरी में सीनियर सिटीजन आते हैं। सीनियर सिटीजन मोटे पतले भी हो सकते हैं, थिन लीन भी हो सकते हैं और हेल्दी वेल्दी भी हो सकते हैं, इसलिए अक्सर सीनियर सिटीजन की 75% ऑफ सीनियर सिटीजन की इम्यूनिटी कम है, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 1 से 10 साल तक के बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और सीनियर सिटीजन 65 या 60 से काउंट कर लीजिए ऊपर तमाम बीमारियां होती हैं और इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए ये कैटेगरी, चार कैटेगरी के लोग, बाकी और भी कैटेगरी हो सकती हैं लेकिन मेनली मैंने चार कैटेगरी बताए। इम्यूनिटी क्या है? रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम होता है हमारे शरीर के अंदर, शरीर का को जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी हम पर और हम पर अटैक करते हैं उनको रोकता है, कवच का काम करता है, एंटर करने से रोकेगा, एंटर भी कर जाएंगे तो वहां किल करेगा उनको। वायरस बैक्टीरिया अन्य अन्य पदार्थों से लड़कर सुरक्षा प्रदान करता है, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी कैसे पैदा की जाती है? शरीर के कुछ अंग हैं, कुछ कोशिकाएं हैं और प्रोटीन, ये सब मिल करके इम्यूनिटी फॉर्म करते हैं, इसलिए हमको ऐसी चीज़ें खाने का कहा जाता है जिनमें प्रोटीन वगैरह ज़्यादा हो। हाउ इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट स्पाइस फाइट अगेंस्ट वायरस बैक्टीरिया फंगस पैरासाइट, बहुत सारी पैथोजन, बहुत सारी बीमारियां हैं, इनको फैलने से रोकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो इनको आगे फैलने से रोकेगी। इट हेल्प टू रिमूव दीज आउट ऑफ दी बॉडी, और ये शरीर से बाहर निकालती है। फाइट द कॉजेज ऑफ दी बॉडी, जो कारण जिनके कारण हमारे शरीर में बीमारी एंटर कर रही है उनको ये दूर भगाती है। ये है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी, अब मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू बूस्ट के लिए मैंने ये पेपर पर लिखा है। पहला नंबर है विटामिन, विटामिन अगर आप खाएंगे तो जो भी फूड ले रहे हैं जिससे हमको एनर्जी मिल रही है, जिससे हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए विटामिन वन ऑफ दी कंपोनेंट फूड का, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल वाटर, इनमें से विटामिन ए विटामिन सी बी डी ई, कोरोना में खासकर CBDE, बी विटामिन के 8 टाइप्स होते हैं, वो डिटेल में बाद में बताएंगे, इसलिए विटामिन का प्रयोग करेंगे जो भी फूड जिनमें ये विटामिन है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। फूड भोजन, भोजन के अंदर जैसे पपीता, बुजुर्गों को कहा जाता है रोज पपीता खाओ, ग्रीन टी, चाय पर तो जोर है, ब्लैक टी पीजिए या ग्रीन टी, ग्रीन टी ज्यादा यूजफुल होती है। गार्लिक अदरक, जब भी चाय बनाइए अदरक की चाय बनाइए, लौंग डाल लीजिए उसमें, और वो सबसे ज्यादा ये हल्दी, हल्दी का प्रयोग बहुत है, हल्दी आप शाम को सोते समय पानी में डाल के पानी पी सकते हैं, गरारे कर सकते हैं, हल्दी का बहुत महत्व है। काढ़ा बनाते समय हल्दी का प्रयोग करेंगे, काढ़ा जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें लौंग और आप जो है दालचीनी और अदरक काली मिर्च तुलसी, तुलसी कई प्रकार की होती है लेकिन तुलसी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे जीवन के लिए, शहद है तुलसी है, इनका सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। एप्पल्स खाइए, जिंजर,
यह सब फूड आइटम है जो हमारी बहनों जी को बनाते हैं। कुछ ड्रिंक्स होती हैं जैसे टर्मरिक टी, चाय जो है कई प्रकार की होती है, तुलसी डाल के चाय पियो या टर्मरिक से चाय पियो या पुदीना मिंट डाल के चाय पीजिए। तो ड्रिंक, चाय वाली ड्रिंक जो है ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। योगा कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, नियम बना लीजिए सुबह सुबह उठना और आपको एक घंटा कहीं भी जो सेफ जगह है वहाँ पर योगा, छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके बाद आपको बताता हूँ फिटनेस, फिटनेस के मेथड, बॉडी को फिट रखना है तो उसके कई मेथड हैं, तो उनमें से कुछ मेथड आपको बता रहा हूँ। द बेस्ट, जो भी हम भोजन करते हैं उसमें जो भी खाना पकाते हैं तो उसके अंदर घी या तेल जो भी प्रयोग करते हैं ऑयल वगैरह, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, घटिया क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। और तेल को अगर एक बार यूज कर लिया और बच गया तो फिर दोबारा यूज मत कीजिए, क्योंकि फिर वो पॉइजनस हो जाता है। ईट वेल कुक्ड, अच्छा पका हुआ भोजन खाइए, वेजिटेरियन भोजन खाइए, अच्छा पका हुआ खाइए, चार या पांचवा दिन में खाइए। पहले हल्का नाश्ता कीजिए, फिर भारी नाश्ता कर लीजिए, लंच तो भारी होता ही है, फिर बीच में एक दो चाय, थोड़ी नमकीन या जो भी बिस्किट ले सकते हो, उसके बाद में डिनर खाइए। तो चार या पांचवा दिन में भोजन को डिवाइड करके खाइए। पानी का उपयोग जरूर कीजिए, गर्म पानी सुबह शाम तो पीना ही पीना है, बाकी कम से कम 8-10 गिलास पानी आपके एवरेज में पीना चाहिए। तुरंत खाना खाते ही पानी मत पीजिए, थोड़ी देर के बाद पीजिए, बीच में पानी आप पी सकते हैं। हनी, गुड़, चीनी से गुड़ अच्छा है, चीनी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल भी है, इसलिए चीनी का प्रयोग करते हैं तो बहुत कम कीजिए। गुड़ का प्रयोग करते हैं तो गुड़ बहुत अच्छा है, गुड़ की चाय भी बना के पी सकते हैं, गुड़ को वैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। सोइए, स्लीप वेल, आराम से सोइए, नींद आपको एज के हिसाब से 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे से तो कम नहीं जरूर सोना चाहिए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए डेली, मॉर्निंग वॉक कीजिए, छोटे बच्चे डांस कीजिए, प्लेइंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जो जो आप कर सकते हैं वो रोजाना नियम से कीजिए। और इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ को, क्योंकि ये बीमारी कोरोना जो सारी दुनिया में फैली हुई है, जो लाखों की तादाद में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वो लापरवाही भी है, प्लस कोरोना ऐसा वायरस, बैक्टीरिया वायरस ऐसा आ गया जो जिसकी कोई हमारे पास अभी न कोई वैक्सीनेशन है, टीका है और न कोई दवाई है। धीरे धीरे सारे वैज्ञानिक और सब डॉक्टर्स जो हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इसकी खोज में लगे हुए हैं, और 2-4 महीने के अंदर सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक आप सावधानी बनाए रखिए और अच्छा लगे तो एक बार ठीक से फिर देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।